नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों बी बॉस के एडमिशन से संबंधित दोस्तों शुल्क के छूट के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। वैसे स्टूडेंट जो अपना बी बॉस में एडमिशन करवाने जा रहे हैं और चाहते हैं कि हमको जो है कुछ जो एडमिशन जो शुल्क है उसमें छूट मिले, तो आप लोगों को ज़रूरी चीज़ें सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र, ठीक है दोस्तों, ये सब आप लोगों को इसमें क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि सर हम लोगों ने जो है एडमिशन लिया लेकिन छूट शुल्क में नहीं मिल पाया है, जाति प्रमाण पत्र जो नहीं था मेरे पास। तो मैं आप लोगों को दोस्तों एडमिशन शुल्क में छूट से संबंधित सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को एडमिशन शुल्क में छूट तब मिलेगा तब आप जब आप लोगों के पास कोई दोस्तों जाति प्रमाण पत्र रहेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, जनरल वाले के लिए तो कोई छूट है नहीं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों ओबीसी, ओबीसी में बैकवर्ड कास्ट मतलब दोस्तों अति पिछड़ा, ईबीसी हो गया दोस्तों, बीसी हो गया, और फिर दोस्तों SC ST हो गया, और विकलांग हो गया, और इसके बाद जो हो जाते हैं दोस्तों जो भूतपूर्व सैनिक है उनको जो है इनमें छूट दी जाती है। तो जनरल वाले को तो दोस्तों कोई छूट दी नहीं जाती, आप लोगों को पता होगा जो जनरल में आते हैं उनको किसी भी तरह की छूट नहीं मिलती है। लेकिन जो दोस्तों ये निम्न प्रकार के श्रेणी में आते हैं, जैसे कि दोस्तों BC, EBC, SC ST और भूतपूर्व सैनिक, और कोई विकलांग है दोस्तों, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो उनको भी छूट दिया जाता है। लेकिन उनको छूट तब दिया जाएगा जब आप लोग जो है उससे रिलेटेड आप लोग अपना सर्टिफिकेट जमा कर लोगे। जैसे कि दोस्तों कोई विकलांग है, अगर जब तक वो अपना विकलांग सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करेगा, मतलब कि जब तक अपना विकलांग सर्टिफिकेट वो दिखाएगा नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि आप जो है तो आप लोगों के पास क्या प्रूफ है, ठीक है दोस्तों। तो हर चीज़ के लिए एक प्रूफ होना चाहिए। जैसे कि आप उसे जाति प्रमाण पत्र SC में आते हैं तो आप लोगों को छूट मिलता है 200-300 जो भी रुपया है, तो आप लोगों के पास क्या प्रूफ है कि दोस्तों कि आप SC ST में, तो आपको वो प्रूफ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों के पास जो जाति आवासी नहीं बना है तो दोस्तों क्या करिए, तहसील से जाके मतलब कि ब्लॉक से जाके आपका जो ब्लॉक है वहाँ पे जाके अपना जो है जाति प्रमाण पत्र बनाइए, ठीक है। जब तक आप जाति प्रमाण पत्र अपना नहीं बनाइएगा तब तक आप लोगों को छूट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स है कि सर जो है मेरे पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, क्या मुझे छूट मिल पाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जब तक आप लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा, मतलब कि दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, हिंदी में जाति प्रमाण पत्र, इंग्लिश में कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जब तक आप लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक आप लोगों को छूट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें जो है आप लोगों को अगर ऑनलाइन एडमिशन करवाने जाते हैं या ऑफलाइन एडमिशन करवाने जाते हैं, तो दोनों में आप लोगों को क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन में तो आप लोगों को फोटो खींच के स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है, फिर ऑफलाइन में भी आप लोगों को दोस्तों क्या फोटो फोटो कॉपी जो है सबमिट करना पड़ता है जब आप एडमिशन लेने जाते हैं। तो ठीक है, जब तक आप अपना जो है जाति प्रमाण पत्र का, कास्ट सर्टिफिकेट का, जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो सबमिट नहीं करेगा, तब तक दोस्तों आप लोगों को आपको जनरल श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। जब आप लोग जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट दीजिएगा तभी आप लोग जो है दोस्तों आप जो जाति में आते हैं, जिस भी जाति में आते हैं उसको माना जाएगा, नहीं तो आप लोगों को जनरल जो मान लिया जाएगा, ठीक है। तो मैं उन बच्चों को बता दूं जो एडमिशन लेने जा रहे हैं और शुल्क में छूट चाहते हैं, तो आप लोगों को जो है दोस्तों क्या है, अपना जो जाति प्रमाण पत्र है बना लेना है, ठीक है। नहीं बना हुआ तो बना लीजिए, 2-3 दिन लगेंगे आप लोगों को, अगर आप अपने ब्लॉक में जाइए आसानी से, आप लोग आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन सुविधा, तो आप लोग ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, या अगर आप लोग ब्लॉक जा सकते हैं अपने, तो ब्लॉक जाइए आराम से बनाइए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें आप लोगों को आसानी से बन जाएंगी। जाति आवासी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, एडमिशन लेना चाह रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं तो क्या है दोस्तों, अपना जो है जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए, जिससे कि आप लोग दोस्तों आप लोगों को शुल्क में जो एडमिशन शुल्क में जो है छूट मिल सके, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों क्या है कि सरकार ने जो है बी बोस ने जो है दोस्तों, बिहार ओपन बोर्ड ने जो है अपना जो नोटिफिकेशन भी जारी कर रखा है, इसमें स्पष्ट दे रखा है दोस्तों
शुल्क में छूट से संबंधित, देखिए श्रेणी संकल किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज, अगर आप शुल्क में छूट चाहते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को निम्न प्रकार के जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। पहला ये देखिए, पहला महिला वर्ग, अगर आप महिला वर्ग फीमेल में आप महिला वर्ग में आते हैं दोस्तों, तो क्या महिला वर्ग में आते हैं तो आप लोग अपना वो सर्टिफिकेट दीजिए। या दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सारा चीज़ दिया, अपना जाति प्रमाण पत्र जो है बना ले, विकलांग भी जो है यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र बना ले। और इसमें दोस्तों क्या है कि ओबीसी, ओबीसी वाले को नहीं, मतलब कि जो जो बीबीसी आते हैं पिछड़ा जाति और ईबीसी आते हैं उनको भी इसमें छूट दिया जाता है। तो आप लोग दोस्तों अगर बीसी और ईबीसी में आते हैं तो अपना वो भी बीसी और ईबीसी सर्टिफिकेट आप अपना जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस तालिका फोर में जो है, नोटिफिकेशन फोर में ये छूट से संबंधित जो है दिया गया है। तो आप लोग समझ गए दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए भूतपूर्व सैनिक, अगर आपका फैमिली जो है बैकग्राउंड जो है अगर सैनिक से आते हैं तो उसका अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उनको भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को डिटेल जानकारी मिल गई होगी एडमिशन शुल्क में छूट से संबंधित। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर हमें शुल्क में छूट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो आप लोगों को जो है अपना जो है जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, ठीक है, और सबमिट करनी पड़ेगी उनकी फोटो कॉपी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं बिहार ओपन बोर्ड से संबंधित सारी जानकारी जो है अपनी वीडियो अपने चैनल के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा अपडेट के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जो है ओपन बोर्ड से संबंधित सारे वीडियो जो हैं डाल दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि वीवो से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को मिले तो आप लोग जाके दोस्तों चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग अपना जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।